गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 10 पढ़ रहे हैं, द ट्रिब्यूट सेकेंड। ट्रिब्यूट मतलब आदरांजलि, ठीक है ना, आदरांजलि द्वितीय। द बस स्टॉप वाज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। बस स्टॉप गांव से कुछ दूरी पर था। आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम, मैं उनके पीछे चल रहा था। आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम, मैं उनके पीछे रह गया था। ही हैड स्टॉप एंड आस्क द सेम ओल्ड क्वेश्चन टू अस यूज टू आस्क। वे रुके और वही पुराना प्रश्न पूछे जो वो पूछा करते थे। आई जस्ट कुड नॉट स्पीक, मैं कुछ भी नहीं बोल सका। द पास्ट स्पाउटिंग अप टू मी, अतीत, पास्ट माने अतीत, अतीत मेरे अंदर फूट कर प्रकट हो रहा था। द चाइल्डहुड डेज एंड द डेज नाउ, बचपन के दिन और अब के दिन। टाइम हैज कंप्लीटेड फ्रॉम मी, समय ने मुझे जमा दिया था। आई हैड चेंज्ड, मैं बदल गया था। बट माई एल्डर ब्रदर, लेकिन मेरे बड़े भाई। टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज, समय उन पर कोई परिवर्तन नहीं कर पाया था। एज इन दोज डेज, उन दिनों की तरह। ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी कैरिंग माई बैग, आई फेल्ट सो स्मॉल। वे अभी भी मेरा बैग ले जाते हुए मेरे सामने चल रहे थे। मैंने अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया, तुच्छ, स्मॉल माने छोटा या तुच्छ। हेजिस्टेंगली आई सेड ब्रदर, हिचकिचाहट से या हिचकिचाते हुए मैंने कहा, भाई गिव मी दैट ब्रीफ केस मुझे दे दीजिए। लेट मी कैरी इट फॉर अ वाइल, मैं उसे थोड़ी दूर ले चलूं। डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो। ही सेड, उन्होंने कहा, इट इज़ हैवी, यह भारी है। एंड यू आर टायर्ड, और तुम थक गए हो। लेट अस क्विकन आवर स्टेप्स, हम जरा जल्दी चलें। यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, तुम्हें भूख लगी होगी। इट इज टाइम फॉर द इवनिंग मील, शाम के भोजन का समय हो गया है। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस, मैं उनके पीछे पीछे चुपचाप चल रहा था। वी रीच्ड होम, हम घर पहुँचे। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, अंधेरा हो चुका था। द टाइम फॉर द लाइटिंग ऑफ विक्स बिफोर द सेक्रेड तुलसी प्लांट, वह समय जब तुलसी के पवित्र पौधों के नीचे, पौधे प्लांट लिखा है सिंगुलर नंबर में है, वह समय हो गया जब तुलसी के पवित्र पौधे के नीचे दिया जलाया जाता है। अनलाइक दोज डेज, पहले के दिनों की तरह। नन ऑफ माई नेफ्यूज रश्ड टूवर्ड्स मी हाउलिंग, मेरे भतीजे शोरगुल करते हुए मेरी ओर नहीं आए। हियर्स अंकल, चाचा आए हैं। माई सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव मी, मेरी भाभी रसोई से मेरा स्वागत करने को दौड़ी नहीं आई। इट वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, सब कुछ मौन व शांत था। ओनली माई मदर केम एंड स्टूड नियर मी, केवल मेरी माँ आई व मेरे पास खड़ी हुई। द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नाउ वेयर टू बी सीन, दूसरा भाई व उसकी पत्नी कहीं दिख नहीं रहे थे। इन द एंटायर हाउस देयर वॉज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस,
पूरे घर में एक असाधारण प्रकार का वातावरण था। Rather, the silence of the graveyard, नानी कब्रगाह, शायद कब्रगाह का मौन, as if the house was preparing for the ultimate collapse, मानो कि सारा घर अंतिम बार गिरने के लिए तैयारी कर रहा हो। I tried to be normal with everyone, but there was that abominable lull up around, पर मैंने सबके साथ सामान्य रहने की कोशिश की, पर जहाँ वहाँ चारों ओर एक नफरत भरी चुप्पी थी। My second brother and his wife, in spite of their presence and home, मेरा दूसरा भाई व उसकी पत्नी ने घर में उपस्थित होने के बावजूद कोई भावना नहीं दिखाई दी। Showed no emotion, कोई भावना नहीं दिखाई। They were all set for the partition and they cared for nothing else. वे सभी विभाजन के लिए तैयार थे और वे किसी अन्य चीज़ की फिक्र नहीं पाल रहे थे। I could not sleep at night, मैं उस रात को सो ना सका। And the following morning passed quite uneventfully, और अगली सुबह बिना किसी घटना के गुजर गई। It was midday, 7 or 8 people had gathered in our courtyard to supervise the division. दोपहर का समय हुआ, 7 या 8 लोग हमारे अहाते में विभाजन का निरीक्षण करने को एकत्र हुए। The three brothers were present, हम तीन भाई उपस्थित थे। Mother was not to be seen anywhere in the vicinity, माँ कहीं भी आसपास नहीं दिखी। We are waiting for the final separation, हम अंतिम बार अलग होने का इंतजार कर रहे थे। As if ready to slice out the flesh of the domestic body which our parents had nourished since the day of their marriage, मानो कि घरेलू शरीर के जीवित मांस को काटने को तैयार थे जिसे हमारे माता पिता ने अपने विवाह के समय से पाला पोसा था। And then we would run away in 3 different directions, clutching a piece each. हम फिर हर व्यक्ति एक एक टुकड़े को अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़ेंगे। All the household articles were hid in the family courtyard. सभी घरेलू वस्तुएं परिवार के अहाते में एकत्र कर दी गईं। These were to be divided into 3 parts. वे उन्हें 3 भागों में बांटा जाना था। All the small things of the house, almost everything movable, घर की सभी लगभग छोटी मोटी चीज़ें, हर चल वस्तु, स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडल्स, नारियल की खोलों से आप कोकोनट, नारियल से कोकोनट माने नारियल, नारियल के खोलों से बना लंबा चम्मच, एंड बम्बू टू द लिटिल बॉक्स, और बांस का बना छोटा बक्सा, वेयर फादर हैड फादर यूज टू कीप हिज बीटल्स, जिसमें पिताजी पान रखते थे, वो भी मौजूद थे। The axe and the old radio set to had been produced. पुरानी कुल्हाड़ी व पुराना रेडियो सेट भी लाए गए। A long list of all the items was made. सभी वस्तुओं की एक लंबी सूची बनाई गई। Nothing was spread. कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी गई। Neither the धिनकी, ना तो धिनकी यानी लकड़ी का को पीसने का एक बेलन जिसे मूसर कहते हैं, वुडन राइस क्रशर जिसे अपने यहाँ की भाषा में मूसर कहते हैं, ठीक है ना। नाइदर द धिनकी, ना तो धिनकी, ना द लिटिल फिगर ऑफ फैमिली आइडल्स,
और ना ही परिवार पारिवारिक मूर्तियों की छोटी आकृतियाँ। आयशा माई एल्डर ब्रदर राइस, मैंने देखा कि मेरे बड़े भाई उठे। ही स्टार्ट फॉर अ मोमेंट नियर द पाइल ऑफ थिंग्स एंड अनफास्टन द स्ट्रैप ऑफ हिज रिस्ट वॉच। वे वस्तुओं के ढेर के पास एक क्षण को रुके और अपनी कलाई घड़ी के पट्टे को खोला। एंड प्लेस्ड इट ऑन द हीप विद द अदर थिंग्स, और वस्तुओं के ढेर पर अन्य चीज़ों के साथ रख दिया। परहैप्स अ टियर ट्रिक डाउन हिज चेक, शायद उनकी आँखों से आंसुओं का एक कतरा बह निकला। विद अ हैवी साई ही लेफ्ट द प्लेस, गहरी निश्वास लेकर उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया। आई हैड ऑफन हर्ड अबाउट हिम, आई हैड ऑफन हर्ड हिम से दैट फादर हैड बॉट हिम दैट रिस्ट वॉच। मैंने उन्हें अक्सर यह कहते सुना था कि पिताजी वह घड़ी लाए थे व्हेन ही वॉज इन हिज 11th क्लास, जब वे 11वीं की कक्षा में थे। बट आई आल्सो रिमेंबर वेल इन माई एमए फाइनल ईयर, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि एमए के फाइनल वर्ष में ही हैड मॉर्गेज द बस टू सेंड मी मनी टू गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू। उन्होंने दिल्ली एक इंटरव्यू में जाने के लिए उस घड़ी को गिरवी रखी थी। ठीक है ना, कह रहा है लेखक कि मुझे याद है कि एमए के फाइनल वर्ष में उन्होंने मुझे दिल्ली एक इंटरव्यू में जाने के लिए उस घड़ी को गिरवी रखी थी। ही हैड सेंट मी एन अमाउंट ऑफ 150 रुपीज़, उन्होंने मुझे 150 रुपए भेजे थे। आई रिमेंबर क्लियरली, मुझे स्पष्ट याद था। नो वन नोज वेदर द रिस्ट वॉज गुड कम बैक टू हिम आर नॉट, कोई नहीं जानता कि वह घड़ी उनके पास वापस लौटेगी या नहीं। हिज एक्शन सीम्ड सिंबॉलिक ऑफ हिज स्नैपिंग ऑल हिज अटैचमेंट विद द पास्ट, उनका यह कृत्य अतीत से अपना सारा मोह तोड़ने का प्रतीक था। आई वॉज साइलेंट, माई एल्डर सिस्टर इन ला वॉज इन द बैकयार्ड, मैं चुप था, मेरी बड़ी भाभी पीछे अहाते में थी। माई सेकेंड ब्रदर वॉज ऑफन विस्परिंग थिंग्स इन टू हिज वाइफ्स ईयर एंड वॉज डियर टेकिंग हिज प्लेस विथ अस, मेरा दूसरा भाई बार बार अपनी पत्नी के कानों में कुछ कहकर हम भाइयों के बीच आ बैठता था। इट वॉज लाइक द बूचर नाइफ गोइंग टू शार्पन इटसेल्फ, यह एक प्रकार से कसाई के उस्तरे चाकू, नाइफ मतलब चाकू या उस्तरा, उस तरह को अपने आप को तेज करने का प्रयास था। द एल्डर ब्रदर्स काम एंड कंपोज, बड़े भाई शांत व नियंत्रित थे। लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन ही वॉज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग डिस्पैशनेटली, एक पूर्णतः सभ्य पुरुष की भांति वे तटस्थ भाव से सारी कार्यवाही देख रहे थे। Exactly as he had done on the day of the sacred thread ceremony of his son and on the day of my marriage, ठीक उसी तरह जैसा उन्होंने अपने पुत्र के यज्ञोपवीत समारोह में और मेरे विवाह के समय किया था। It was the same preoccupied and grey manner, अपना कर्तव्य निभाने का यह उसी तरह का विचार मग्न व तरीका था। Attending sincerely to his duty, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, while discussing anything with my second brother, he had that same firm and composed voice, not a sign of disgust and regret. मेरे दूसरे भाई से किसी भी बात पर विचार विमर्श के दौरान भी उनका स्वर उसी प्रकार शांत व संयत था, किसी भी प्रकार की नफरत या पछतावे का कोई चिन्ह नहीं था। आई रिमेंबर द ईयर फादर डाइड,
वी हैड टू लिव अंडर अ ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन, मुझे याद आया जब वह बस था जब पिताजी मरे थे, है ना, पिताजी का निधन हुआ था, हमें बहुत ही आर्थिक तनाव से गुजरना पड़ा था। इट वॉज विंटर, शीत ऋतु थी। द सील वॉज एट इट्स हाइट, ठंड अपने पूरे स्वभाव पर थी। वी हैड लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट, हमारे यहाँ कुछ ही कंबल थे। द कोल्ड वॉज सो बाइटिंग, ठंड खासकर रात को इतनी काटने वाली थी। पर्टिकुलरली एट मिड नाइट, विशेष तौर पर इतनी काटने वाली, मतलब इतनी ठंड तेज ठंड थी। दैट वन ब्लैंकेट वॉज नॉट इनफ फॉर वन, एक व्यक्ति के लिए एक कंबल काफी न था। दैट नाइट आई वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम, उस रात को मैं अपने गलियारे वाले कमरे में सो रहा था। वेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह जागा, आई फाउंड माई एल्डर ब्रदर्स ब्लैंकेट ऑन मी, मैंने अपने बड़े भाई का कंबल मेरे कंबल पर डाला पाया, एडेड टू मी डाला पाया। अर्ली एट डाउन ही हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड्स विदाउट अ ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर, सुबह सुबह जल्दी अपने कंधों पर बिना कंबल डाले हुए खेतों पर निकल गए थे। इफ ही हैड बीन आस्क्ड व्हाई ही वुड हैव श्योरली सेड इन हिज यूजुअल मैनर, अगर कोई उनसे पूछता कि क्यों, तो वे हमेशा की तरह उत्तर देते कि दैट ही है डिड नॉट फील द कोल्ड, कि उन्हें ठंड नहीं लग रही थी। नाउ आई हैव अ कंफर्टेबल इनकम, अब मेरे पास अच्छी आमदनी है। एट इट हैड नेवर ऑकर्ड टू मी टू थिंक ऑफ बाइंग एनी वार्म क्लोथ फॉर माई एल्डर ब्रदर, तो भी मैं बड़े भाई के लिए कोई गर्म कपड़ा खरीदने का ख्याल मेरे मन में नहीं आया। ही इज स्टिल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद दैट ओल्ड टैटर्ड ब्लैंकेट दैट ही हैड कवर्ड मी विथ वर्ल्ड, वे अभी भी उस फटे हुए कंबल से संतुष्ट व सुखी थे जो उन्होंने मुझे उड़ाया था। द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर बिफोर मी, वही कंबल वहाँ मेरे सामने अन्य वस्तुओं के साथ था। विथ ऑल द अदर थिंग्स, दूसरी वस्तुओं के साथ था। आई शिवर्ड विथ द कोल्ड, मैं ठंड से, एंड माई ओन इनॉग्रेटेड, वह अपने कृतज्ञता पर कांप गया, ठीक ना, मैं ठंड से वह अपने कृतज्ञता पर कांप गया। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन वाज फाइनली ओवर, विभाजन का कार्य अंतिम रूप से समाप्त हो गया था। व्हाट एवर द सेकंड ब्रदर डिमांडेड, माई एल्डर ब्रदर एग्रीड टू इट विथ आई स्माइल, जो कुछ भी मेरे दूसरे भाई ने मांगा, मेरे बड़े भाई ने मुस्कुरा कर देना मंजूर किया। माई सेकेंड ब्रदर प्रपोज टू बाई द शेयर ऑफ लैंड दैट वॉज गिवेन टू मी, मेरे दूसरे भाई ने मेरे हिस्से की भूमि मांगी, एंड ऑफर 18,000 रुपीज एज द प्राइस, और 18,000 रुपये देना प्रस्तावित किया। इन द इवनिंग माई एल्डर ब्रदर टुक मी अलोंग विद हिम टू शो मी द पैडी फील्ड्स दैट वेयर द टू बी माइन, मैं शाम को मेरे बड़े भाई मुझे धान के खेत दिखाने ले गए जो मेरे हिस्से में आए थे। आई क्वाइट फॉलोडली हिम, मैं चुपचाप उनके पीछे चलता रहा। आई क्वाइटली फॉलोड हिम, मैं चुपचाप उनके पीछे चलता रहा। वी मूव्ड फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री एवरीवेयर, हर खेत की मेड़ मेड़ पर चले। आई कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट, हर जगह मैं उनके पाँव, हिज पाम, उनकी हथेली एंड हिज फिंगर्स, और उनके उंगलियों के चिन्ह देखे। ऑन द बॉटम ऑफ द पैडी फील्ड्स स्पार्कलेड द पल्स ऑफ माई एल्डर ब्रदर स्वेट, धान के खेतों के सीने पर मेरे बड़े भाई के पसीने के मोती चमकते दिख रहे थे। ही वॉज शोइंग मी द फील्ड्स, वे मुझे खेत उसी प्रकार दिखा रहे थे एज अ फादर वुड इंट्रोड्यूस अ स्ट्रेंजर टू फैमिली मेम्बर, जैसे कोई पिता किसी अजनबी को घर के सदस्यों से परिचित कराता है। इन द मॉर्निंग
आई वॉज टू लीव द भुवनेश्वर फॉर भुवनेश्वर। सुबह मुझे भुवनेश्वर के लिए रवाना होना था। आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर। मुझे अपने बड़े भाई से मिलने का साहस न था। बिफोर लिविंग फॉर द बस स्टॉप के लिए रवाना होने के पूर्व आई हैड हैंडेड ओवर द स्लिप पेपर टू माई एल्डर सिस्टर इला। मैंने एक कागज की शीट अपनी बड़ी भाभी को दी। बीच हैड द डिटेल्स अबाउट माई शेयर, जिसमें मेरे हिस्से का डिटेल था। राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ द स्लिप, खाली स्लिप पर लिखते हुए आई हैड आज टू डिलीवर इट माई एल्डर ब्रदर। मैंने उन्हें यानी बड़ी भाभी को कहा कि वे उसे बड़े भाई को दे दें। एंड स्टीडली स्लिप्ड आउट ऑफ अवर हाउस आई हैड रिटर्न, और घर से चुपचाप बाहर चले गए थे। मैंने लिखा था, ठीक है ना, मैंने बड़ी भाभी से कहा कि वे इस चिट को बड़े भाई को दे दें जो चुपचाप घर से बाहर चले गए हैं। आई हैड रिटर्न, मैंने लिखा था, ब्रदर भाई। व्हाट शैल आई डू विद द लैंड, मैं इन ज़मीनों का क्या करूँगा। यू आर माई लैंड फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ। आप मेरी वो ज़मीन हो जिससे मैंने अपने जीवन में हर प्रकार की फसल ले सकता हूँ। आई नीड नथिंग सेव यू, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक्सेप्ट दिस प्लेस, कृपया इसे स्वीकार कर लें। इफ यू डेनी, अगर आपने इनकार किया, आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, तो मैं कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। बाबुली, ठीक है ना। तो बच्चों, ये लेसन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे, तुम लोग पढ़ो, ठीक है। धन्यवाद।